कांग्रेस द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें चांदनी चौक लोकसभा सीट से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल की उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी गई। हालांकि क्षेत्रवासी और कांग्रेसी कार्यकर्ता दोनों ही कपिल सिब्बल की उम्मीदवारी को लेकर आश्वस्त थे, इसलिए कपिल सिब्बल के नाम की घोषणा महज एक औपचारिकता भर ही रह गई थी। दरअसल कपिल सिब्बल चांदनी चौक क्षेत्र से लगातार दो बार से सांसद हैं और उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए जितने कार्य किए हैं उतना शायद ही किसी नेता ने इतिहास में अपने क्षेत्र में किया होगा। जनता के हर छोटे बड़े कार्य को कपिल सिब्बल ने अपना कार्य समझा और उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि जनता ने कांग्रेस के द्वारा उम्मीदवारी घोषित करने से पहले ही उन्हें अपना प्रतिनिधि चुन लिया था। और साथ ही कपिल सिब्बल को इस बात के लिए भी आश्वस्त कर दिया कि सिर्फ कपिल सिब्बल ही उनके एकमात्र नेता हैं और रहेंगे।